वॉल हैंगिंग इसलिए। कौन सा स्थान मिला आपको? हमको फर्स्ट विजन का स्थान मिला। कैसा लग रहा था बना के? बहुत अच्छा लगा। क्या बनाए थे आपने? हम वॉल हैंगिंग बनाए थे और रंगोली बनाए थे। हम लोग को वॉल हैंगिंग और रंगोली बनाने के लिए मुझे सेकंड प्राइज मिला है, और ये हमारा मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये बनाने का, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मुझे सेकंड प्राइज मिला है। कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये जैसे मतलब मुझे ये क्रिएटिंग बहुत अच्छी लगी, ये सर ने जो मुझे बताया, मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मुझे कुछ सीखने को मिला। ये टाइम वैल्यू नहीं करते कि कितना टाइम लगा, बस ये वैल्यू करते हैं कि मैंने ये बनाया, सर ने मुझे सिखाया। और मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ इसे बनाएं। इसके लिए देखिए, एक्चुअली पिडिलाइट कंपनी जो है वो आर्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उसका हमेशा प्रयास रहता है कि जो भी आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी होता है उसको हर जगह कराया जाए, जिससे कि एक हर जगह हर बच्चों में एक आर्ट के प्रति माहौल क्रिएट हो। जो भी लोग इसको सीखना चाहते हैं उसको आकर के सीखे, चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे हर शहर में, हर गांव में जो है टीचर हैं, ऑलरेडी कंपनी उनको हायर करके रखा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी महिला हैं, बच्चे हैं, वो सभी कोई आकर के सीखे, ये मेरा सबसे गुजारिश। बहुत अच्छा अच्छा बनाई थी, लेकिन सर को सबको हमारा भी अच्छा लगा, उन लोगों में से बहुत अच्छा लग रहा। इस तरह के बनाने की सोच कहाँ से आपको आ गई? पहले कभी सोचा था सर? नहीं, पहले तो नहीं सोचा था। जब से आकृति में जब सर सिखाए तो आइडिया मिला कि हाँ ऐसे बनता है, पहले नहीं पता था, और फर्स्ट टाइम ये बनाया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 3 डेज का वर्कशॉप कराया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे पिडिलाइट कंपनी है आर्ट प्रोवाइड करती है। और हम लोग स्कूल्स वगैरह में भी जाते हैं लोग आर्ट, यही से ही फ्री आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे 1 डेज का एक्टिविटीज़ होता है। तो यहाँ पे लड़कियाँ लोग को आना चाहिए, एक से बढ़ के एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबको आना चाहिए, जो घर पे बैठी रहती है उन लोग को भी आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेमेंट कहीं भी इंस्टीट्यूट वगैरह में, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 डेज़ का एक्टिविटीज़ कराते फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उन लोग को ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे एक तो पेमेंट नहीं लगने वाला, और फिर फ्री में भी काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराया जाता है, सीखने को मिलेगा। काफ़ी ज़रूरत है, और सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड है बनाते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग आए और बहुत अच्छे से सीखे, बहुत अच्छा किए। ऐसे लोगों को आना चाहिए, इस चीज़ को सीखना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, और ऐसे लड़कियों को हमेशा आकर सीखना चाहिए। ये 3 डेज़ का था और पिडिलाइट कंपनी की तरफ से था, और आकृति वाले सर जो पारसनाथ त्रिवाते हैं उन्हीं के द्वारा करवाया। आयोजन तो बहुत अमेजिंग आयोजन था, आप एक इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लड़कियों में कितनी क्रिएटिविटी है। और जिस लड़की ने मुझे प्रेजेंट किया है वो पहली बार बनाई है, मुझे आश्चर्य हुआ, और वो उसका अपना ओन क्रिएशन है ये। तो मैं समझता हूँ कि जो 3 दिन का जो वर्कशॉप चला ये बहुत सफल रहा, और बहुत सारी लड़कियाँ आकर के सीखी, बहुत सारी नई लड़कियाँ थीं जो उनको नया नया आइडियाज़ हम लोग दिए हैं, उसी का नतीजा है कि एक नमूना आपके सामने हम बैठे। नहीं देखिए, पहले था इस तरह का, लेकिन अब धीरे धीरे गार्जियंस का भी आउटलुक चेंज हो रहा है, वो लोग भी अब बच्चों में चाह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज आए, म्यूजिक हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, पेंटिंग हुआ। तो अभी जितनी भी न्यूली एडमिटेड लड़कियाँ हैं जो अभी एडमिशन ले रही हैं हमारे आकृति ग्रुप में इंस्टीट्यूट में, वो सभी दे आर न्यू कॉमर, एकदम पहली बार वो घर से निकल करके आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉड्यूलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स,
एनआर मार्केट, शॉप नंबर 2 एंड 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।